राज्यों में जो विधानसभा चुनाव का सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनता के मुद्दे जनता के मसले उठाते हुए जनवाणी के इस सिलसिले को आज हम बीकानेर में ले आए हैं। राजस्थान की धरती बीकानेर, ये वो शहर है जिसे राजस्थान का शैक्षिक और साथ साथ इसकी सांस्कृतिक नगरी माना जाता है। बीकानेर के नमकीन और यहाँ के जो रसगुल्ले हैं पूरी दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध हैं, और यहाँ के लोग जो है कहते हैं कि बीकानेर का पानी जो है बहुत गहरा है, और उसी की तरह यहाँ के लोग भी बहुत गहरे हैं। उनके मन में क्या है दरअसल वो बताते नहीं, लेकिन आज जनवाणी में हम लोगों का मन टटोलने आए हैं, लोगों का मन की थाह लेने आए हैं। घणी खम्मा राम राम से नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बीकानेर की जड़वाणी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीकानेर की ढेर सारे जनता मौजूद हैं और यहां के जो स्थानीय नेता हैं राष्ट्रीय पार्टियों के स्थानीय पार्टी के वो सब मौजूद हैं। आज हम राजस्थान के और बीकानेर क्षेत्र के इस पूरे इलाके के तमाम मुद्दे उठाएंगे और देखेंगे कि चुनावों में दरअसल नेता क्या वायदे कर रहे हैं और जनता उनसे क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है। इन सब पर आज हम बात करेंगे और इस सिलसिले को शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे जो विशेष आज के मेहमान है उनसे आपका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ बी डी कल्ला जी यहाँ पे मौजूद है कांग्रेस की तरफ से, स्वागत कीजिए इनका। बी डी कल्ला जी यहाँ के बीकानेर के एक बहुत ही दिग्गज नेता है, यहाँ से कई बार विधानसभा का चुनाव जीते, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ दूसरे